सहारा इंडिया में छत्तीसगढ़ का 600 करोड़ रुपए निवेश, मैच्योरिटी के बाद भुगतान न करने से दीपावली हुई फीकी। दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ लेकर आया है, पूरी खबर क्या है आइए दोस्तों जानते हैं। वर्जन मैंने सहारा इंडिया के लिए काम करने में लोगों को 1.5 करोड़ रुपया जमा कराया है, मैच्योरिटी के बाद भी पैसा न लौटा कर दूसरी स्कीमों में जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। लखनऊ में बैठे टेरिस्ट प्रमुख वीके वर्मा का कहना है कि लोग चाहे तो एजेंटों को गोली मार दें, लेकिन यह भुगतान नहीं करेंगे। यहाँ दोस्तों इस वक्त यह बड़ी धौंस, लखनऊ में बैठे टेरिस्ट प्रमुख वीके वर्मा का कहना है कि लोगों को चाहे एजेंटों को गोली मार दें, यानी कि निवेशक चाहे तो एजेंटों को गोली मार दें, लेकिन भुगतान नहीं करेंगे। हमने मुख्यमंत्री व पुलिस विभाग से गुहार लगाई है, भुगतान करने के निर्देश देने के बाद भी सहारा के अधिकारी भुगतान के लिए तैयार नहीं है। लक्ष्मीकांत उपाध्याय, सहारा प्रतिनिधि, डीडी नगर। अगला वर्जन दोस्तों, मैंने लोगों का जो भी निवेश कराया है उसमें से 50 लाख रुपये का भुगतान करना है। दीपावली का त्यौहार सिर पर है, लोग आए दिन हमारे पास आकर झगड़ा कर रहे हैं। हम जब भुगतान करने को लेकर सहारा के रायपुर कार्यालय जाते हैं तो मेन ब्रांच से रकम न आने की बात कह दी जाती है, इसके बाद फोन बंद कर दिया जाता है। अब तो हमें डर सता रहा है कि इसे लेकर हमारे साथ कोई अनहोनी न हो जाए। ये बड़ी रिपोर्ट दोस्तों दीपक जोशी ने हमारे पास भेजी है, सहारा प्रतिनिधि, डीडी नगर। अगला वर्जन, मैंने सहारा लोगों का लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया निवेश कराया, कंपनी के लोगों का कहना है कि 2 लाख में 50 हज़ार दे दो और 1.5 लाख रुपये फिर निवेश करा दो। कंपनी FD कराने को लेकर दबाव बना रही है, निवेश करने वाले आए दिन मारपीट करने पर उतारू हो चुके हैं। हालात यह है कि अब उस एरिया में जाने को डर लगता है जहां पर लोगों का पैसा जमा कराया है। कई बार लोग गाड़ी छीन चुके हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी होगी। रविंद्र कुमार, सारा प्रतिनिधि। अगला वर्जन, मैंने सहारा के लोगों को 2 करोड़ रुपया निवेश कराया, भुगतान नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फंड आएगा तो भुगतान करेंगे। कई बार कार्यालयों में तालाबंदी व विरोध जताया, लेकिन RM और एरिया चीफ गोलमोल जवाब देकर गायब हो जाते हैं। लोगों का इतना दबाव है हमारे ऊपर कि लोग सुबह से शाम तक घर पहुंचते हैं। स्थिति यह हो गई है कि अब घर के परिवार के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। महेश बाधवानी, सहारा प्रतिनिधि, लाखे नगर। दोस्तों ऐसी ना जाने कितनी हमारे पास लोगों की शिकायतें मौजूद हैं जो अपने पैसे को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सहारा इंडिया है कि उसके सिर पर जूं तक नहीं रेंग रही। वह नहीं देख रहा है कि इस वक्त निवेशक कितने परेशान हैं, और ख़ास तौर से दीपावली के इस त्यौहार के शुभ अवसर पर निवेशकों को अगर पैसा दे दिया जाता तो शायद निवेशकों में कुछ खुशी की लहर आ जाती, लेकिन दोस्तों इस वक्त निवेशकों में मायूसी छाई हुई है। तो ये बड़ी न्यूज़ आपको एस्ट्री न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। दोस्तों खबर पसंद आए तो हमारे एस्ट्री न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।